वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं बात करने वाला हूं दोस्तों की सीटीआई फिटर कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि इस वीडियो के बाद आपको सीटीआई फिटर कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहां पे व्हाट इज सीटीआई फिटर कोर्स, यानी कि जो आईटीआई कर रहे हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं सर सीटीआई सीटीआई के बारे में बताइए फिटर कोर्स क्या है, सीटीआई फिटर कोर्स क्या है। दूसरा है कि व्हाट स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग सीटीआई फिटर कोर्स, यानी कि स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, क्या सीखते हैं सीटीआई फिटर कोर्स के दौरान, वो लोग क्या सीखते हैं, और साथ ही साथ हु शुड ज्वाइन द सीटीआई फिटर कोर्स और कौन कौन इस सीटीआई फिटर कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, चौथे बात में हम बात करेंगे, और पांचवे में फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और ट्यूशन फीस कितना लगता है सीटीआई फिटर कोर्स के लिए, ड्यूरेशन ऑफ सीटीआई फिटर कोर्स कितने साल का होता है, सीटीआई फिटर कोर्स कितने साल का होता है और सीटीआई फिटर कोर्स के दौरान यानी कि कोर्स के बाद कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटीआई वालों को, पॉलिटेक्निक को और बीटेक वालों को कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, करियर आफ्टर सीटीआई फिटर कोर्स के बाद, यानी कि सीटीआई फिटर कोर्स करने के बाद आपकी करियर क्या होगी, करियर की ऑप्शन क्या होंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सीटीआई फिटर, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट फिटर ट्रेड में पढ़ने पड़ेंगे जब आप सीटीआई फिटर कोर्स कर रहे होंगे, और टॉप एनएसटीआई कॉलेज इंडिया में कितनी है और कहां कहां है, इस सभी वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सीटीआई फिटर कोर्स होता क्या है। देखिए सीटीआई फिटर कोर्स जो होता है ये मैकेनिकल रिलेटेड एक ट्रेड होता है जिसमें आपको पाइप फिटिंग, मशीन की असेंबली, लेथ मशीन पे वर्क करना, ठीक है, ग्राइंडिंग करना और ये सभी जॉब पर फाइलिंग करना, हैक्सा से कैसे काटा जाता है, ये सभी प्रोसेस आपको सीटीआई फिटर कोर्स में, ये मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड से आता है। तो आपको पता चल गया होगा सीटीआई फिटर कोर्स क्या है, एक मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड है जिसमें आपको फाइलिंग करना, ग्राइंडिंग करना, ड्रिलिंग करना, लेथ मशीन पे वर्क करना सिखाया जाता है। सेकेंड है स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग सीटीआई फिटर, यानी कि सीटीआई फिटर जब कर रहे होंगे तो स्टूडेंट क्या सीखते हैं, ठीक है, क्या लर्न करते हैं उस दौरान, तो सीटीआई जब आप कर रहे होंगे तो आपको क्लास कंट्रोल सिखाया जाता है, क्योंकि सीटीआई करने के बाद आप एक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, आप अपने नाम के अंदर आगे इंस्ट्रक्टर लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि क्लास को कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे जॉब बनवाएंगे अपने स्टूडेंट के साथ, कैसे उनको कंट्रोल में शांति से क्लासे करने के लिए बेबस करेंगे, कैसे उनको मोटिवेशन करेंगे, ये सीटीआई फिटर कोर्स के दौरान सिखाया जाता है। और साथ ही साथ ये सिखाया जाता है कि लेथ मशीन पे कैसे किसी ट्रेनीज को, कैसे किसी स्टूडेंट को वर्क करना सिखाएंगे, कैसे फाइल लिखवाना सिखाएंगे, कैसे उन्हें कॉपी मेंटेनेंस काम करना सिखवाएंगे, ये सभी फिटर के अंतर्गत आता है, जो कि ड्रिलिंग, मशीनिंग, टर्निंग, ये सभी प्रोसेस आप सीटीआई फिटर कोर्स के दौरान सीखेंगे और अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है हु शुड ज्वाइन द सीटीआई फिटर कोर्स, यानी कि कौन सीटीआई फिटर कोर्स ज्वाइन कर सकता है, तो सीटीआई फिटर कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है जो आईटीआई पास आउट हो चुका है या अपीयरिंग है, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले जो पास आउट है या अपीयरिंग है, बीटेक वाले जो पास आउट है या अपीयरिंग है, वो सीटीआई फिटर कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई देखिए अपीयरिंग है तो भी आप कर सकते हैं, मतलब अपीयरिंग क्या है कि आप लास्ट ईयर में है, अपीयरिंग का मतलब आप आईटीआई डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक या बीटेक कुछ भी कर रहे हैं तो आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है तो आप सीटीआई का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सीटीआई कोर्स कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। नेक्स्ट है व्हाट एलिजिबिलिटी फॉर सीटीआई फिटर कोर्स, तो अब भी हमने बताया कि सीटीआई फिटर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा होना अनिवार्य है सीटीआई फिटर कोर्स करने के लिए, और आप अपीयरिंग यानी कि लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है कि आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको क्लास के लिए जॉब बनाएंगे, जैसे सीटीआई में क्या होता है, सीटीआई में आपका 8:30 घंटे क्लास चलती है, 9 से 5:30 बजे तक, 1 घंटे बीच में लंच टाइम होता है जिसमें आपको लंच की छुट्टी दी जाएगी, उसके दौरान आपको लगभग मान के चलिए 6 घंटे जो है, 5 से 6 घंटे आपको जॉब पे वर्क करना होता है, प्रैक्टिकली वर्क होता है सीटीआई में, ठीक है, और 1 से 2 घंटे आपको क्या दिया जाता है, थ्योरी के लिए समय दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क करने होते हैं सीटीआई में।
इसलिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिटनेस के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने जिले अस्पताल से। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, तो जब आप सीटीआई में फिटर ट्रेड के लिए एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो आपको जून महीने में इसका फॉर्म आता है, 15 जून के आसपास इसका फॉर्म आता है, तो आप 15 जून के आसपास ये फॉर्म को भर लीजिएगा। 15 जून से स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसी जून में ही स्टार्ट होता है ये फॉर्म। तो फॉर्म आप अप्लाई कर लेंगे फिटर ट्रेड के लिए। अप्लाई करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, कट ऑफ पार कर जाएंगे और अच्छे नंबर से पार कर जाएंगे तो आपको एनएसटीआई यानी कि सीटीआई कॉलेज मिल जाएगा। सीटीआई कॉलेज कितने हैं, देखिए टोटल अगर फिटर ट्रेड वालों की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ 11 एनएसटीआई कॉलेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। तो पूरे इंडिया में कितने हैं, सिर्फ 11 स्थानों पे हैं जो कि फिटर ट्रेड कोर्स चलता है एनएसटीआई कॉलेज में इंडिया में। फिर ट्यूशन फीस कितनी है, मैंने प्रोसेस तो बता दिया, आपको फॉर्म भरना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कट ऑफ पार करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, एडमिशन हो जाएगा। ट्यूशन फीस कितनी लगती है, जब आप सीटीआई फिटर कोर्स करेंगे, ठीक है, तो सीटीआई फिटर कोर्स करने के लिए आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपका मुश्किल से जो खर्चा आएगा 3,000 से 4,000 रुपए आएगा, ठीक है, 4,000 रुपए में आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल भी उसी में इंक्लूड होगा, तो 4,000 नियर अबाउट आपका पैसा लग जाएगा, एक साल का ट्यूशन फीस लग जाएगा सीटीआई फिटर कोर्स के लिए। अब बात आती है कि सीटीआई फिटर कोर्स कितने साल का होता है, ड्यूरेशन ऑफ सीटीआई फिटर कोर्स यानी कि कितने साल करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों का मानना है 2 साल करना पड़ेगा, तो यहां मैं रियल बता दूं जो सीटीआई फिटर कोर्स होता है मात्र 1 साल का होता है आपका, 1 साल बाद आपका सीटीआई फिटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 साल आपको देने पड़ेंगे सीटीआई फिटर कोर्स के लिए। अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जा रहा है, तो आपको 80% प्रेजेंटी देना वहां अनिवार्य होता है, बायोमेट्रिक लगता है, बायोमेट्रिक थ्रू आपका अटेंडेंस लगता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीटीआई। सीटीआई के बाद देखिए आपको एक्सपीरियंस लेने होते हैं जो आप अपने ट्रेड से रिलेटेड यानी फिटर ट्रेड से रिलेटेड गवर्नमेंट आईटीआई में या प्राइवेट आईटीआई में फिटर ट्रेड वालों को पढ़ाकर आपको एक्सपीरियंस लेने होते हैं। अगर आपने आईटीआई बेस से सीटीआई किया हुआ है तो आपको 3 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कहीं से, और अगर आप पॉलिटेक्निक बाद सीटीआई किए हुए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और यदि आप बीटेक बाद सीटीआई किए हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात किया। अब करियर आफ्टर सीटीआई फिटर कोर्स यानी कि सीटीआई फिटर कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शन क्या होगा, देखिए तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, सीटीआई फिटर कोर्स कर लेते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। क्या होता है कि सीटीआई फिटर कोर्स करने के बाद आपका जो करियर है काफी क्षेत्र में बढ़ जाता है, जैसे आप कहीं प्राइवेट संस्थानों में जॉब करेंगे आईटीआई बेस पे और आप सीटीआई किए हुए हैं तो आप वहां पे एक ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में वहां पे जॉब करेंगे, चाहे आप टाटा मोटर्स में हो, चाहे भेल में हो, या मारुति सुजुकी में हो, या किसी भी क्षेत्र में आप आईटीआई से जॉब कर रहे होंगे, अगर सीटीआई किए हैं तो आपका फायदा ये होगा कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट पे इलिजिबल होंगे यानी कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन कर रहेंगे। तो सीटीआई फिटर कोर्स का एक अलग ही है। सीटीआई फिटर कोर्स के बाद आप चाहेंगे तो अपना हायर एजुकेशन ले लीजिए, अगर आईटीआई से कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो बीटेक कर लीजिए। तो सीटीआई फिटर कोर्स का और करियर ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे आईटीआई के बाद आपका। फिर आप टीचर भी बन सकते हैं, टीचर बन जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट टीचर आ रहा है, इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आ रहा है आईटीआई के लिए, तो आप अपने स्टेट में भरकर किसी भी स्टेट में भर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं आईटीआई टीचर। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका सीटीआई फिटर कोर्स, क्योंकि आईटीआई करने के बाद आप टीचर नहीं बन पाएंगे और सबसे कम समय में आप टीचर बनना चाह रहे हैं, टेक्निकल टीचर, सैलरी भी अच्छी होती है दोस्तों, तो सीटीआई फिटर कोर्स करके आप टीचर बन सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद अगर सीटीआई फिटर कोर्स करियर सेल्फ बिजनेस माध्यम से देखा जाए तो आपको इतना काम सिखा दिया जाता है सीटीआई फिटर कोर्स में, यानी कि लेथ मशीन पे वर्क करना, साथ ही आपका वेल्डिंग करना, ड्रिलिंग करना, ठीक है, ग्राइंडिंग करना, ये सभी प्रोसेस आपको सीटीआई फिटर ट्रेड में सिखा दिया जाता है, क्लास कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सभी सिखा दिया जाता है। तो आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम, फिटर वाला काम, ग्राइंडिंग का काम, ड्रिलिंग का काम, ये सभी क्या है आपकी करियर ऑप्शन है अगर आप सेल्फ अपना बिजनेस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट जो बात आती है आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सीटीआई फिटर कोर्स, तो जब सीटीआई फिटर कोर्स करेंगे तो कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा। पहला जो होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड यानी कि ट्रेड प्रैक्टिकल, पहला फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल फिटर थ्योरी, दूसरा हो गया, तीसरा जो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत यानी कि कैसे क्लास कंट्रोल करेंगे, ये सभी पीओटी एक सब्जेक्ट आ जाती है। तो क्या बताया, पहला जो बताया हमने प्रैक्टिकल ट्रेड, प्रैक्टिकल ट्रेड थ्योरी, पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो आप आईटीआई में पढ़े हुए हैं, फिर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सीटीआई फिटर कोर्स कर रहे होंगे तो जिसमें मेन आता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेड थ्योरी और पीओटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ाने का सिद्धांत, जो कि बीटीसी वाले भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो ही गया, लास्ट जो है टॉप एनएसटीआई कॉलेज ऑफ सीटीआई फिटर कोर्स। तो टॉप सीटीआई फिटर कोर्स के लिए मैं बता दूं, एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई हावड़ा, एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई चेन्नई, ये 4 जो है टॉप एनएसटीआई कॉलेज है जो सीटीआई फिटर कोर्स अवेलेबल कराते हैं। वैसे पूरे इंडिया में 11 जगह सीटीआई कॉलेज है, 11 जगहों पे जहां पे सीटीआई फिटर कोर्स देते हैं, लेकिन ये 4 टॉप पे हैं। अगर आप सभी 11 का लिस्ट देखना चाहते हैं और 11 के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सीटीआई फिटर कोर्स करवाते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि कोई इसके अलावा अन्य जानकारी सीटीआई फिटर कोर्स से रिलेटेड रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि वो भी सीटीआई फिटर कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सके और वो भी सीटीआई फिटर कोर्स कर सके, उसका फायदा जान सके। और अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों, यही आपका मोटिवेशन हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।